এটা ভক্ত মানে এই সো আবি আম লোক যা রে গঙ্গা জল ঘাটি না দুটো বড় থা वेलकम टू सिंपली लक्ष्मी लाइफ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि मेरे सारे फ्रेंड बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं। तो सुबह सुबह अतन हो गया है वेजिटेबल मार्केट वेजिटेबल लाने के लिए। और यहाँ पे कृति और पापा दोनों इस ट्रंक को निकाले हैं। और यहाँ पे पापा ना बहुत कुछ, पापा की कीमती सामान जो है, जो पुराने सामान है संभाल के रखे हैं, वो सब कृति के साथ शेयर कर रहे हैं। पापा खुले देखो, बड़ा हिट थक गए। तो खोल थामो क्लास। দুটো বুদ্ধি হয়ে গেল, এটা নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, নিয়ে কি করবি? और यहाँ पे ना बहुत ही खूबसूरत सा ये शोपीस था, इसको हम लोगों ने फ्रिज के ऊपर सजा दिया है। अभी ये दिखने में ना बहुत अच्छा लग रहा है। ये छोटा सा नोटबुक ना मेरे फादर इन लॉ के फादर का है, मतलब अतनु के दादू का है, वही उस ट्रंक पे था, तो पापा ने उसको निकाला है और यहाँ पे हम सब वही देख रहे हैं। और सुबह से ना हम लोगों ने बहुत सारा टाइम एक साथ स्पेंड किया और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। आज मम्मी और मैं दोनों मिलके खाना बनाएंगे। सो अभी मैं पत्ता गोभी बना रही हूँ, जो कि रात की सब्जी है। आज रात को हम लोग थोड़ा गंगाजल घाटी जाएंगे, तो इसके लिए रात की सब्जी बना के रख रही हूँ। और साथ में लौकी होगा, वो फिश का हेड डाल के, और साग, लाव साग, और साथ में फिश करी होगा। फिश करी मम्मी बनाएगी, जो अतनु का डिमांड है। Try. Do you know I'm looking? And I can't help but smile. Do you know how much I love you? You put my favorite song on. I put my feet up. और नहा के पूजा करने के टाइम पापा अतनु के लिए जनेऊ बना रहे हैं, जिसको बंगाली में हम लोग बोलते हैं पोइते। और हम लोग वापस आ जाएंगे, तो इसके लिए पापा अतनु के लिए ना 2-3 पोइते बना देंगे। और देखते देखते ये कुछ दिन ऐसे स्पेंड हो गया, पता ही नहीं चला टाइम का। और छुट्टी भी हमारा ख़त्म, हम लोगों को भी वापस जाना है बैंगलोर। और इस कढ़ाई के बारे में ना बहुत सारा क्वेश्चन आप लोगों ने किया है कि कहाँ से ख़रीदा है। तो बड़ा वाला जो कढ़ाई है वो हम लोगों ने ऑनलाइन ख़रीदा था मम्मी के लिए। सो इसका तो लिंक मेरे पास है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं शेयर कर दूँगी। बट जो छोटा वाला है वो रोला हाइपरमार्केट से लिया था, तो उसका लिंक मेरे पास नहीं है और साइज़ भी मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। सो बाद में मैं साइज़ देख के आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी कि मम्मी का जो छोटा वाला कढ़ाई है उसका साइज़ क्या है। सो आप ऑनलाइन से भी खरीद सकते हो। भाजते हो भाजी बंद होता जमा चले जाए और तो कोमा तो भाजते 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 जब हम बाबा को भाजा सेंट है उठे गए तो फिर मसला दिलो भोलू दिलो नून दिलो दे आ रहा कुछ भाला करो कोई चलो तो इसने और तो आपको जोड़ दे ढका दे दिया ये भी सीधा करा था को और को ढका दे जोड़ दे दिया ताकोला भाला पका दिए छोड़िए मिठाई ना I love you. I put your favorite song on.
আসি और दोपहर को ना खाना खाने के बाद हम लोग बैठे थे तो सडनली हम लोगों को पता चला कि अतनु का फेक अकाउंट बना के कोई सबसे पैसा मांग रहा है। तो उसी चक्कर में हम लोगों का तो पूरा दोपहर स्पेंड हो गया। बाद में मैं डिटेल्स में आप लोगों के साथ सारा कुछ शेयर करूँगी। सो अभी हम लोग जा रहे हैं गंगा जल घाटी दोपहर को। अभी टाइम हुआ है 3:30 ऐसा नहीं, और हम लोग टोटो का वेट कर रहे हैं। 4 बजे तो 4 बजे हम लोग अभी जा रहे हैं गंगाजल घाटी। तो हम लोग टोटो का वेट कर रहे हैं यहाँ पे। चलो, तो कल हम लोग बैंगलोर चले जाएंगे, तो इसके लिए अभी मैं जा रही हूँ मम्मी के पास। थोड़ा बैठूँगी, बातें करूँगी और साथ में मेरे जो बड़े ताऊजी हैं उनके घर भी जाऊँगी, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सबके घर गई थी उस टाइम जाना नहीं हुआ था। सो अभी मैं जाऊँगी उनसे मिल के आऊँगी। सो मैं अभी गई थी मेरे बड़े ताऊजी के घर उनसे मिलने, कृति भी गई थी साथ में। और जाते जाते ना मेरे एक फ्रेंड से भी मुलाकात हो गई, अर्पिता। उस टाइम मेरे पास ना फ़ोन था, कुछ कैमरा था, कुछ भी मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई। सो बहुत अच्छा लगा मिल के। अच्छा, दुटो बड़ो था, एटा छोटो लाए और देखते देखते ना शाम भी हो गया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं फिर से देसुड़ा। पापा आए थे हम लोगों को छोड़ने के लिए और बस छुट्टी ख़त्म और नेक्स्ट डे हम लोग वापस जाने वाले हैं बैंगलोर। और अभी ना हम लोग पैकिंग करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि मम्मी ने बहुत सारा सामान रखा था कि मैं लेके जाऊंगी। तो मैंने आधे से ज़्यादा सामान मैंने बोला है कि नहीं, इतना पॉसिबल नहीं होगा, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ लेके आई हूँ। इवन मेरी भाभी की मम्मी भी मेरे लिए आलू भेजा था, 7 kg आलू। तो मैंने बोला इतना सारा मैं कैसे लेके जाऊंगी, क्योंकि हम लोग टोटल 45 kg लेके आ सकते हैं। तो इसके लिए थोड़ा थोड़ा करके हम लोगों ने सामान लिया है जो जितना हम लोग लेके आ सकते हैं। और यहाँ पे भी मम्मी ने बहुत सारा सामान रखा है लेके जाने के लिए। पापा ने भी बहुत सारा सामान निकाला था कि हम लोग लेके जाएंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके हम लोग लेके जा रहे हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ लेके जा रहे हैं। मतलब सब ने जो मतलब रखा है सब कुछ हम लोग लेके जा रहे हैं। और मम्मी बोल रही थी कि थोड़ा सा मूढ़ी लेके जाओ, बट जगह नहीं हो रहा था, तो फाइनली मूढ़ी के लिए भी जगह हो गया है। मम्मी बोल रही है कि अभी मुझे ना थोड़ी सी शांति मिल रही है कि तुम लोग मूढ़ी भी लेके जा रहे हो। सो फाइनली सारा कुछ हम लोगों का यहाँ का पैकिंग हो गया है, और अभी जो सूटकेस है उसका भी पैकिंग मैंने स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर तो कपड़े जाएँगे, ज़्यादा कुछ कपड़ा मैं लेके नहीं आई थी, लेकिन यहाँ से बहुत कुछ लेके जा रही हूँ। वहाँ जाके मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या लिया है। और सच बताओ तो आज बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब हम लोग भूल ही गए थे कि हम लोगों को बैंगलोर रिटर्न भी आना है। बहुत अच्छे से दिन स्पेंड कर रहे थे, बट आज सच में मन बहुत उदास है। लिए दोस्तों आज का व्लॉग मैं एंड करती हूँ। आज का ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। और बहुत कम मैं कैप्चर कर पाई, सोचा कि आज मतलब लास्ट डे है तो अच्छे से अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लूँ। बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। बस हाँ, इस बार मेरी ननद रीमा दी से मिलना नहीं हुआ। जब भी मैं आती थी ना तो रीमा दी आती थी और हम लोग साथ में टाइम स्पेंड करते थे, बट इस बार उनका बेटा 10th class का एग्ज़ाम देगा, मतलब नेक्स्ट ईयर। तो इसके लिए रीमा दी बोल रही है कि अभी मैं उसके एग्ज़ाम के बाद ही आऊँगी। सो नेक्स्ट टाइम हम लोग जब आएंगे सो डेफिनेटली रीमा दी के साथ भी हम लोग मतलब शेयर करेंगे अपना टाइम।
तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलते हैं कल की और एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बी सेफ। I could stop the time.